बॉलीवुड संघों फिल्म निर्माताओं की याचिका पर दो न्यूज चैनलों को दिल्ली हाई कोर्ट से मिला नोटिस, रिपोर्टिंग से कोर्ट है नाराज, कहा दूरदर्शन युग ज्यादा बेहतर था। विदर्भ में नागपुर की दृश्यता सबसे कम, ठंडा रहा सोमवार सीजन का सबसे कम तापमान, 0.9% की गिरावट के साथ न्यूनतम पारा लुढ़क कर पहुँचा 12.5% पर। कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए किया गया सीरो सर्वे, शहर के 2000 लोगों का लिया गया सैंपल, 50% लोगों में एंटीबॉडी पॉजिटिव मिली। मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर घंटावार के खिलाफ मामला दर्ज, अपराध शाखा की जांच में हुआ खुलासा, पार्षद हनी ट्रैम्प और निजी अस्पताल में हुई तोड़फोड़ में पाई गई थी मिलीभगत। विधान परिषद के नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट के लिए चुनाव में महापौर संदीप जोशी भाजपा के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं कांग्रेस से वंजारी तय, नामांकन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर। बर्डी बाजार में मार्किंग के बाहर दुकानों पर गिरी गाज, मेन रोड पर कार्रवाई कर दुकानदारों को हटाया, बाजारों में रहेगी भीड़ तो वहीं दुकानदारों पर होगी सख्ती। नागपुर शहर में विधान परिषद के स्नातक चुनाव के चलते सरकारी इमारतों पर लगाए गए राजनीतिक विज्ञापन हटाए जाएंगे, नागपुर विभाग में लागू है आचार संहिता। नागपुर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब 3,500 निवेशकों के साथ लगभग 35 करोड़ की ठगी किए जाने के मामले की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा पुलिस करेगी। आज है वर्ल्ड साइंस डे, कोरोना से लड़ेगा तारा यूवी 360 सैनिटाइजर रोबोट, नागपुर के रत्नदीप कामले, पवन खोबरागड़े और समर रामटेके ने बनाया रोबोट। ट्रामा केयर के कोविड सेंटर से आरोपी हुआ फरार, सेंट्रल जेल से हुड़केश्वर पुलिस ने चोरी के मामले में प्रोटेक्शन वारंट पर किया था गिरफ्तार।